हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ एक मेडिसिन सेनेगा के बारे में। सेनेगा आज के सिनेरियो में फिट होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। आज का जो सिनेरियो है, आज की जो कंडीशन है, इस टाइम पर जो कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट वर्जन आया हुआ है, जिसका बहुत ही तेज़ी से मॉर्टेलिटी रेट आ रहा है और बहुत ही तेज़ी से निमोनिया सेट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में काम आने वाली होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी दवा है सेनेगा। सेनेगा प्लांट से बनाई जाती है, प्लांट किंगडम से आने वाली मेडिसिन है, जिसका पूरा नाम होता है पॉलीगेना सेनेगा। पॉलीगेना सेनेगा को एक लंग टॉनिक की तरह भी यूज़ किया जाता है, या इसको एक लंग टॉनिक बोला जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सेनेगा का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि जो सेनेगा होती है एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन नहीं है, मतलब अनेक प्रॉब्लम्स में काम आने वाली मेडिसिन नहीं है। इसका स्पेसिफिकली दो ही पार्ट पर काम होता है। पहला पार्ट होता है आइज और दूसरा पार्ट होता है रेस्पिरेशन, यानी सांस संबंधी। तो हम इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और इसको कोरिलेट करेंगे कि प्रेजेंट कंडीशन में ये कैसे कैसे और किन किन कंडीशंस में काम आ सकती है। तो पहला इम्पॉर्टेंट सिम्टम जिसमें सेनेगा के बारे में सोच सकते हैं आप कि हाँ यस, मेरे को सेनेगा लेना चाहिए, अगर आपके गले में खराश होती है। हॉर्सनेस इज द फर्स्ट सिम्टम। पेशेंट को ऐसा लगता है कि गले में खराश है, बार बार गला वो साफ करने की कोशिश करता है, जिसपे स्क्रैपिंग होती है, जैसे लगता है कि गला छील सा रहा है और बोलने में उसको तकलीफ होती है। हर्ट्स टू टॉक एक इसका इंपॉर्टेंट रूब्रिक होता है। तो हर्ट्स टू टॉक और इसमें पेन होता है, हॉर्सनेस होती है और गले में स्क्रैपिंग सा लगता है, जैसे कोई नाइफ लेकर के छील दे रहा है गले को, ऐसी सेंसेशन होती है सेनेगा में। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका इंडिकेशन यहाँ पर आता है। इसके अलावा दूसरा सिम्टम जहाँ पर इस मेडिसिन को लिया जा सकता है, वो है चेस्ट में बहुत ज़्यादा बलगम, यानी बहुत ज़्यादा म्यूकस बन रहा हो। म्यूकस इतना ज़्यादा बन रहा हो लेकिन कोशिश करके भी उस म्यूकस को आप बाहर एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पा रहे हो, निकाल नहीं पा रहे हो। ऐसा होता है बच्चों में और बुजुर्गों में, जिसमें जोर लगाने के बाद भी आप फ्लेम को या अपने म्यूकस को सही से बाहर नहीं निकाल पाते हैं और वो बार बार ऊपर नीचे होकर रैटलिंग सी आवाज़ करता है, खड़खड़ सी आवाज़ आपको आती है। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहता है कि म्यूकस है, वेट है, मतलब बहुत ज़्यादा सूखा नहीं है, लेकिन आप उसको निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है कि चेस्ट पे एक कंजेशन, एक भार जैसा महसूस होता है। पेशेंट बोलेगा कि छाती में इतना ज़्यादा भारीपन मुझे लगता है कि जैसे लगता है कि ये जो चेस्ट एरिया है बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड और चेस्ट के बीच में ऐसा दब सा रहा है, चेस्ट पे इतना ज़्यादा कोई भार सा मुझे आ रहा है। तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम होती है। और ये जो सेनेगा होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा रस्टॉक्स और ब्रायोनिया से मिलते हैं। ब्रायोनिया कहाँ पे होती है? जब आपको शरीर में इन्फ्लामेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा ताप रहता है, फीवर रहता है और आपको एकदम से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, और उस स्टेज में अगर आपने ब्रायोनिया नहीं दिया तो अब जो स्टेज आ गई है जिसमें बलगम पूरी तरह से बन चुकी है, पहले कंजेशन थी ब्रायोनिया में, इसमें बलगम पूरी तरह से बन चुकी है लेकिन वो निकल नहीं पाती है, तो उस कंडीशन में इसको हम देते हैं। ब्रायोनिया में पेशेंट क्या करता है कि उसको बैठ के आराम मिलता है, इसमें पेशेंट को मूव करने पर आराम मिलता है, जैसे कि रस्टॉक्स में होता है। जो जो भी पेशेंट को लगता है कि उनकी जो खांसी है वो सुबह सुबह बढ़ जाती है, सुबह उठने के बाद बहुत देर तक मुझे खांसी रहती है, ठंडी हवा में निकल जाने पे खांसी बढ़ जाती है, या अगर आपको लगता है कि बार बार आपको खांसी आती है और उसके साथ एक स्नीजिंग होकर के वो खांसी का एपिसोड खत्म हो जाता है, तो कफ एंडिंग इन अ स्नीजिंग, तो ये सिम्टम रहता है सेनेगा में। पेशेंट को जब भी टहलता घूमता रहेगा, कुछ काम करता रहेगा, उसको कोई खांसी नहीं आएगी, लेकिन जैसे वो बेड पे बैठेगा, जैसे वो आराम करने के लिए बैठेगा, उसको खांसी शुरू हो जाती है। तो ओपन एयर में चलने पे उसको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन रेस्ट के टाइम पे सिटिंग पोजीशन में या लेटने के पोजीशन में उसको खांसी बढ़ती है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एम्ब्लोरेशन होती है, पेशेंट जब अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाता है, गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ता है, तब उसको आराम मिलता है, ये एक इसका इम्पॉर्टेंट एम्ब्लोरेशन है। तो चेस्ट में किसी भी तरह की परेशानी हो रही हो तो उसमें एक लंग टॉनिक का काम करता है, आपके फेफड़ों को मजबूती देता है, जिस बलगम को आप कोशिश करके भी निकाल नहीं पा रहे हैं, स्पेशली जो एज्ड लोग हैं तो उनके अंदर अगर इस मेडिसिन को लेते हैं तो कफ को निकालने में और चेस्ट की जो कंजेशन है, जो एक भारीपन सा महसूस होता है, उसको दूर करने में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी दवा है। इसके अलावा अगर कफ के कारण बीच बीच में आपको बोलते बोलते खांसी आ जाती है, या अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, डिस्निया की प्रॉब्लम होती है, सांस पेनफुल हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में भी इस मेडिसिन को दिया जा सकता है।
स्पेशली बच्चों के केसेस में, जिसमें वो कफ को बिल्कुल निकाल नहीं पाते हैं और बार बार उनको सोने में परेशानी होती है और वो बिल्कुल कफ से इतने परेशान हो जाते हैं, स्टीम लेकर के किसी भी तरह से वो कफ निकलता नहीं है, एक छोटी सी सर्दी जुकाम की समस्या 1 महीने 1.5 महीने तक चलती रहती है, तो ऐसे बच्चों के केसेस में ये बहुत उपयोगी दवा है। तो सिनेका एक लंग टॉनिक का काम करती है जो कि कफ को निकालती है, आपके हॉर्सनेस को सही करती है, जो फ्लेम बार बार बन रहा है उसको निकालने में हेल्प करती है और पूरी तरह से आपके लंग्स को क्लियर करती है, अपने फेफड़ों को साफ करती है। कुछ और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन हैं सिनेगा के, जैसे कि आई सिम्टम्स की हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आई सिम्टम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये दवा है और इसको मैं मेरी जो पिछले की वीडियोज़ हैं, लास्ट वीडियोज़ हैं, उसमें भी मैंने बताया था, चाहे वो लेजी आई का वीडियो हो चाहे स्क्विंट का वीडियो हो, जिसमें मैंने पैरालिटिक वीकनेस अगर हो रही है आपकी आइज़ में उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दवा है। पैरालिटिक वीकनेस मतलब कई लोग आपने देखा होगा कि एक आंख थोड़ी नीचे और एक आंख थोड़ी ऊपर रहती है, हाइपरफोरिया जिसको बोलते हैं, ब्लेफराइटिस के केस में, या जो मसल्स की जो ट्विचिंग होती है, ट्विचिंग के केसेस में, स्क्विंट के केसेस में, विजन सही नहीं है उस केसेस में, तो आई से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स में सिनेगा का बहुत अच्छा उपयोग रहा है और बहुत ही ज़्यादा टाइम टेस्टेड रेमेडी है ये। इसके अलावा हेड के केसेस में भी काफ़ी उपयोगी दवा है, लेकिन हेड के केस में अगर आईज के सिम्टम्स के कारण आपको हेड में पेन रहता हो, स्पेशली टेम्पल एरिया, ये जो इसको बोलते हैं टेम्पल एरिया, इस एरिया में अगर पेन रहता हो, ये वाली जो हड्डी है टेम्पल बोन होती है, इसमें अगर दर्द रहता हो या फोर हेड में यहाँ पर दर्द रहता हो, तो ऐसे केसेस में जिसमें कारण आपकी आईज बन रही है, चाहे पुअर विजन बन रहा हो, चाहे बच्चे को चश्मा लगा हो, उनको दर्द होता हो, बड़ों को दर्द होता हो, लेकिन आईज का जो पुअर विजन है, आईज की कमजोरी के कारण आपको सिर में दर्द रहता हो, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हों और पढ़ करके आईज में एकदम वीकनेस ही आ जाती है, उसके कारण सिर जो है दर्द होने लगता है, तो ऐसे केसेस में सिनेगा काफी उपयोगी दवा है। इसके अलावा नेजल सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, नाक की कौन सी समस्या में ये उपयोगी दवा होती है। तो जिसमें अगर आपको नाक से पतला पानी आता हो, बार बार छींके आती हो, या नाक बिल्कुल जो नेजल म्यूकोजा है बिल्कुल ड्राई हो जाता हो, पेशेंट बार बार नाक को ब्लो करने की कोशिश करता हो लेकिन कुछ नहीं निकलता हो, लेकिन उसको लगता है कि कुछ तो है जो नाक में फंसा हुआ है, ऐसी फीलिंग अगर रहती है, कॉफ बहुत ज़्यादा होती है और कॉफ के साथ लास्ट में स्नीजिंग हो जाती है और उसके साथ कॉफ खत्म हो जाता है, ऐसे सिम्टम्स में ये बहुत उपयोगी दवा है। तो फ्रेंड्स, जो सिनेगा मेडिसिन है आज के सिनेरियो में फिट होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। तो अगर हमारे लंग्स, हमारे जो फेफड़े हैं वो साफ रहते हैं, किसी भी तरह का उसमें म्यूकस नहीं रहता है, उनकी फंक्शनिंग अच्छी रहती है, तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है, क्योंकि हमारा जो जो भी सिस्टम होता है वो लंग्स से रिलेटेड रहता है, तो लंग्स को साफ करने के लिए सिनेगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। अब हम बात करते हैं इसको लेने का तरीका कैसे होगा। तो इसको लेने के लिए ये बच्चों बड़ों सबके लिए सेफ है, क्योंकि ये प्लांट किंगडम से आने वाली, प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है उससे बनाई जाने वाली दवा है। तो सिनेगा को मैं मोस्टली क्यू पोटेंसी में ही यूज़ करती हूँ, यानी मदर टिंक्चर फॉर्म में ही इसको मैं पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करती हूँ। बच्चों के केसेस में अगर हम बात करें तो आप सिनेगा की मदर टिंक्चर को लेके आएंगे और इसका मदर टिंक्चर बहुत कॉस्टली भी नहीं होता है, 100 to 150 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। तो आप इस मेडिसिन को घर पे भी रख सकते हैं। बच्चे को जैसे सर्दी जुकाम कुछ होता है जिसमें बच्चा निकाल नहीं पा रहा है कफ को और खड़खड़ की आवाज़ से बहुत परेशान होते हैं, जैसे कि एंटीमनी टार्टारिका में एक मेडिसिन होती है, उसमें भी ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उसके कुछ डिफरेंट सिम्टम्स के आधार पर वो दवा दी जाती है। इस मेडिसिन में आपको मदर टिंचर फॉर्म में आधे कप पानी में 5 बूंदे डाल करके बच्चे को दिन में 3 बार देना है। अगर आप बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो एडल्ट डोज इसके 10-10 बूंदे रहेगी। अगर प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है तो 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लिया जा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स और जो भी प्रेगनेंसी की स्टेज में है उनके लिए भी ये दवा बहुत उपयोगी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हम बहुत सारी कॉफ रेमेडीज़ को मना करते हैं लेने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल सेफ दवा है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के स्टेज में हैं और एक सेफ और इफेक्टिव दवा चाहते हैं कि लंग्स को साफ कर पाए, आपकी सांस की जो कैपेसिटी है, लंग्स की जो कैपेसिटी उसको बढ़ा पाए, म्यूकस को निकाल पाए और लंग्स का जो लोड है, कंजेशन है, उसको ख़त्म कर पाए, तो उसमें एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। डायबिटिक पेशेंट, थायराइड पेशेंट या किसी भी तरह की अगर आपकी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है तो उन दवाओं के साथ भी सिनेगा को लिया जा सकता है। आधे घंटे का आपको गैप रखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिनेगा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आपको इसको लेना है और आपको ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव महसूस होगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर ही कॉन्टैक्ट करें। आजकल मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि मेरे मेल्स, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पर भी अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, तो प्लीज़ आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट मिलने में बहुत डिले होगा, क्योंकि मैं बहुत ही कम इन चीज़ों को चेक कर पाती हूँ। तो डायरेक्टली अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो व्हाट्सएप नंबर का ही यूज़ करें। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।